हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये मैं आज आपको सॉन्ग ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगी। और ये कितना बड़ा हो गया है, देखिए आप, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हो गया। इसमें से कई प्लांट तो मैंने निकाल दिए हैं, छोटे छोटे बेबी प्लांट निकाल के मैंने कुछ बना लिए हैं, और आज मैंने कुछ और निकाले हैं आपको दिखाने के लिए। इसे प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं और ये इंडोर प्लांट भी कह सकते हैं इसे, से आप इंडोर भी रख सकते हैं, सेमी शेड में भी रख सकते हैं। और ये जो बेबीज हैं, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह के बेबीज निकलते तो आप इन्हें अलग लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये मैंने तीन प्लांट निकाले हैं, ये छोटे छोटे से इसके बेबी तीन चार निकाले, दिख रहे हैं आपको ये, तो ये निकालें तो अगर इन्हें आप अलग लगा दोगे सैंडी सॉइल में तो ये अच्छे से नया प्लांट रेडी हो जाएगा। और इसकी मिट्टी देख रहे हैं आप, मॉइस्ट है मगर दलदली मिट्टी नहीं है, क्योंकि इसे दलदली मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी इंडोर प्लांट हो, हमेशा याद रखिए, कोई भी इंडोर प्लांट हो तो वो उसे मिट्टी दलदली नहीं अच्छी लगती, उसे सॉफ्ट और भुरभुरी मिट्टी, रेतीली सैंडी सॉइल होती ना वो अच्छी लगती है। इसमें पानी रुके ना, ड्रेनेज सिस्टम इसके लिए बहुत अच्छा होना ज़रूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसमें पानी डालें और पानी भरा रहे, तो सैंडी सॉइल हो और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो। देख रहे हैं आप इस तरह की मिट्टी, ये बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, उसमें कंपोस्ट मिली हुई है, तो इस तरह की मिट्टी आप बना के रखिए और कंपोस्ट खाद बना के इसमें डाल दिए। किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं, गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीनरी वेस्ट है, इसमें ग्रीनरी चाहिए, फ्रूट्स फल कुछ नहीं चाहिए होता है, तो इसमें आप गोबर की खाद इजीली डाल सकते हो और बहुत अच्छे की ग्रो होगा। तो ये यहाँ से मैंने निकाल लिए, अगर आप इनको अलग अलग करेंगे तो ये भी नए प्लांट तैयार हो जाएंगे, काफ़ी बड़े बड़े। ये जैसे ये निकाले हैं मैंने, ये मैंने निकाले तो मैंने अपने किसी जानने वाले को दे दिए थे, तो उनके पास वो काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं और इसकी हाइट भी कम से कम 4 फीट हो गई है। तो 4 फीट मतलब काफ़ी लंबा हो जाता है ये प्लांट अगर बड़ा गमला मिले, और ये 14 इंची के गमले में लगा हुआ है तो खूब अच्छे से ग्रोथ भी हो रही है और सुंदर भी लग रहा है। मगर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि इवनिंग में करीब 3 बजे के करीब बहुत तेज धूप लगती है, तो इसकी जो टिप्स हैं वो ड्राई हो गई हैं, और वैसे भी जो न्यू लीफ होती है ना वो बहुत सुंदर होती है, और नीचे की पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं, इनकी टिप ख़राब हो जाती है। तो आप इन टिप को कट कर दीजिए और एक लेवल में सारी टिप कट कर देंगे तो इसका शेप भी अच्छा आएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। और इसमें पानी कम डालिएगा, कंपोस्ट डालिएगा, खाद डालिएगा, इस सब चीज़ के बारे में बता दिया। और इसे सेमी शेड में भी दे सकते हैं, बस तेज़ धूप से दोपहर के बचाइए तो अच्छे से, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सैंडी सॉइल ही लेंगे, तो मैंने रेतीली मिट्टी निकाल ली और इसकी ये नीचे की जो पोर्शन है ये वाले, ये सब हम कट कर देंगे और ये निकाल करके फिर हम इसे लगा देंगे, नीचे नीचे के पोर्शन जो जिससे फंगल इन्फेक्शन ना हो। और बिल्कुल सैंडी सॉइल लेंगे, इस तरह से मैं बॉटल में लगा रही हूँ क्योंकि बॉटल में पानी कम रुकेगा और ड्राई हो जाएगा, पानी कम ही जाएगा। आप जब भी कटिंग लगाएं तो ज़्यादा बड़े गमले में मत लगाइए, ज़्यादा बड़े गमले लगाएंगे तो ज़्यादा पानी और ज़्यादा मिट्टी की वजह से ये बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन से मर जाएंगे, तो इसलिए आप कम पानी लगाइएगा इसमें। और इसे अगर चाहे तो कवर कर दीजिए, पर मैं अभी कवर नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। इस तरह से हम ये फंजीसाइड का पाउडर भी डाल देंगे, तो ये इसे शेडी एरिया में रखेंगे अभी। और देखो इसकी पत्तियाँ कितनी अच्छी हो रही हैं, कुछ नीचे की जो पत्तियाँ होती है ना वो पुरानी हो जाती हैं, तो वो आप निकालते जाइए, क्योंकि इनका ये सिर्फ लुक के लिए रखे जाते हैं, डेकोरेटिव पीस होते हैं, तो इन्हें इनका लुक भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो आप इनकी जितनी भी पत्तियाँ हैं नीचे की वो आप निकाल दीजिए, तो इतना बुरा भी नहीं लगेगा। ऊपर का पोर्शन आप रहने दीजिए, इसे शेप में ज़रूर रखिएगा, जैसे नीचे की यार ये जी नीचे नीचे की जितनी भी पत्तियाँ होती है इस तरह की टिप है, ये ख़राब हो जाती है, तो इन्हें आप कट कर दीजिएगा और सारी पत्तियों को एक ही लेवल पर कट कर दीजिएगा। इनकी पत्तियों को लुक अच्छा देने के लिए आप इसकी कटिंग करते रहिएगा, और जो भी नीचे नीचे की पत्तियाँ वेस्ट होती हैं, बेकार हो जाती हैं, बिल्कुल बेकार हो जाए, तो आप उन्हें निकाल लीजिएगा। और देखो न्यू बेबी प्लांट में उनकी ऊपर की जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल ग्रीन और बहुत सुंदर है, देख रहे हैं ये भी कितनी ग्रीन ग्रीन है, बिल्कुल एकदम फ्रेश लग रही हैं। तो जो भी आपकी पत्तियाँ नीचे ही ख़राब होती रहें तो उन्हें निकालते रहिएगा, और इससे आपको प्लांट को मेंटेन करने में भी हेल्प मिलेगी, और एक्स्ट्रा जो भी पत्तियां हैं वो निकलने से ऑक्सीजन भी मिलेगी, इसे एयर सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। देख रहे हैं आप इस तरह से ये मैंने सब कट करके रख दिए, इसकी वजह से इसकी लुक बहुत सुंदर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे खजूर का प्लांट नहीं होता उस टाइप का लग रहा है। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नई जानकारी के साथ और नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।